हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने चार विधानसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें उचाना से दुष्यंत चौटाला, दबवाली विधानसभा से दिग्विजय चौटाला, जुलाना विधानसभा से अमरजीत ढांडा और दादरी से राजदीप फोगाट का नाम फाइनल कर दिया गया है। रिपोर्ट देखें। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने चार विधानसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें उचाना से दुष्यंत चौटाला, डबवाली विधानसभा से दिग्विजय चौटाला, जुलाना विधानसभा से अमरजीत ढांडा व दादरी से राजदीप फोगाट को टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि पार्टी की तरफ से 20 प्रत्याशियों की टिकट कन्फर्म है और जल्द ही पार्टी इसकी घोषणा कर देगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चौटाला ने सिरसा निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद ये बात कही। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। अब पार्टी दोबारा से राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। इसी के साथ पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर काम कर रही है, विधानसभा वाइज अपने चुनावी कार्यक्रमों में लगी है। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बताया कि 5 अगस्त को इनसो का स्थापना दिवस सिरसा में मनाया जा रहा है। वहीं इसके बाद विधानसभा वाइज जननायक जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। लोकसभा के इलेक्शन के बाद हमने अपना संगठन बंद कर दिया था, अब नए सिरे से नई जिम्मेवारियां दी गई है और बाकी का संगठन भी साथ साथ और बना रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी, प्रदेश कार्यकारिणी भी, प्रदेश के दूसरे पदाधिकारी भी, निरंतर आपके सामने लिस्ट आती जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे चुनावी कार्यक्रम भी शुरू हैं, जैसे दिग्विजय अपने डबवाली विधानसभा क्षेत्र में लगा हुआ है, दुष्यंत उचाणा में लगा हुआ है, चुलाना में लगा हुआ है, राजदीप दादरी में लगा हुआ है। इस तरीके से हमने लगभग 20 ऐसे प्रत्याशी पहले से छांट करके उनको अपना काम सौंप रखा है, वो अपने अपने क्षेत्र में काम लगे हुए हैं। डॉक्टर अजय चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तरफ से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, कांग्रेस पहले अपना संगठन तो बना ले, पिछले 11 साल से इनका संगठन नहीं बना। अजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में 70 सीट जीतकर सरकार बनाने के दावे पर पलटवार किया और कहा कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी भी छाती पीट कर कहते थे कि 400 पार सीट लेकर आएंगे, लेकिन आई नहीं। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि 70 सीट लेकर सरकार बनाएंगे। चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले अपनी टिकट तो कंफर्म कर लें। अजय चौटाला ने कहा कि फिर से जननायक जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को धार देने में लगी है। सतनाम सिंह, टोटल न्यूज, सिरसा।